जी हाँ, सब गुजारिश है सभी लोगों से कि सबसे पहले अपने नजदीकी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जाएं और खाता खोलाएं। खाता खोलाने से बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा फायदा है। और उस खाता खोलाने के बाद खाता को आधार संख्या से जुड़वाइए और मोबाइल नंबर से भी जुड़वा दीजिए। दूसरा चीज, बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रॉड कॉल के बारे में बता रहे थे कि लोग आधार से भी पैसा निकालते हैं अंगूठा लगा के, लेकिन ये पता नहीं कि हाँ निकालना तो सही है। अगर उनको 2000 निकालना है तो जहां से वो निकालते हैं वो 20000 भी निकाल लेते हैं। अगर मोबाइल नंबर आप एंट्री कराए हुए अपने खाता में तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना निकाले हैं, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। लेकिन जो लोग मोबाइल नंबर अभी दर्ज नहीं करा पाया है खाता में, तो उनको कैसे पता चलेगा? जब खाता अपडेट करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा खाता से कितना निकला है। तो उस स्थिति में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप मोबाइल नंबर को भी खाता से जोड़ा दीजिए। और जब भी आपको पैसा निकालना है तो या तो आप बैंक में जाइए पैसा निकालने के लिए, या फिर बैंक मित्र या सीबीसी शाखा जहाँ पे है वहां से पैसा निकालिए, अन्यथा दूसरी जगह से नहीं निकालिए, ना तो आप फेरा में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग जहां भी जाते हैं कि यहाँ पैसा निकलता है निकाल लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ होता है। वो बेचारी क्या जानती है, कभी भैया 2000 निकाल दीजिए, 2000 निकाल देता, आधार कार्ड दिया, अंगूठा लगाया, 2000 निकल गया। लेकिन उसको नहीं पता है कि हमारा 2000 निकला कि 20000 निकल गया, 10 डाल दिया 20000 हो गया। अब उसको पता चलेगा जब, कब? जब बैंक में जाएगी खाता अपडेट कराएगी तब पता चलेगा कि हमको 20000 निकल गया। तो इस स्थिति में अब कभी भी इधर उधर से पैसा नहीं निकालिएगा, थोड़ा लेट हो चाहे जैसे भी हो। अगर ब्रांच दूर है तो नजदीकी में अगर कोई सीबीसी शाखा है तो वहां पे करा लीजिए, नहीं तो फिर बैंक से जाके पैसा निकाल लीजिए। अटल पेंशन योजना के, अभी अटल पेंशन योजना के बारे में जो लोग बता रहे थे कि 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन मिलता है, सही बात। कभी कल हम थे वहां पे क्या असरगंज में, वहां एक बुजुर्ग आया, बोले कि देखिए ना से हमारा 2 बेटा है। हम बोले कहा दिक्कत क्या हुआ, तो कि एक बेटा तो छोड़ के चला गया। हम बोले तो एक बेटा तो कम से कम आपका देखभाल करता होगा ना। तो बोला कि तो छोटा बेटा बोला कि बड़ा बेटा आपका भाग गया तो हम आपका कैसे कर सकते हैं, हम भी जा रहे हैं। वो भी बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, बोला कि ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया। तो हम बोले तो फिर आप खाते पीते होंगे कैसे, बुजुर्ग है तो एक बेटी बगल में ब्याही हुई है उसी के यहाँ से भोजन आता है तो हम खाते हैं। हम कहे कि तो यही अगर आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ लिए हुए थे तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। और ये बहुत लोग सोचते हैं ना जवान रहते थे हमको क्या दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब ठाक से गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, उतना पैसा आ रहा है, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कभी कल के बारे में सोचना चाहिए कि कल क्या हो सकता है। वर्तमान में बहुत लोग जीते हैं, बहुत लोग भविष्य में भी जीते हैं और फ्यूचर में भी बहुत लोग जीते हैं। तो फ्यूचर को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेना होगा। और ये लाभ आप वही लोग ले सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का है, वही व्यक्ति अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। उम्र के हिसाब से उनको प्रीमियम जमा करना होगा, जितना का वो पेंशन लेना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उसके हिसाब से उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करने पर 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब हम अपने नाटक के माध्यम से बता रहे थे। अगर विशेष जानकारी देने के लिए बरान से आए हुए हैं शाखा मैनेजर साहब, आपको ज्यादा बताएंगे। नाटक के माध्यम से आपको बताया किसी को ओटीपी नहीं बताना है, खाता खुलवाइए, ब्रांच में लोन की जरूरत है तो लोन लीजिए। नाटक के माध्यम से मेरे ख्याल से आपको समझा दिए हैं, फिर भी किन्हीं कुछ आवश्यकता है, जरूरत है लोन का, अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलवाइए, और किसी प्रकार का दिक्कत है सरकार द्वारा बंद करिए, लाख यही बोलेंगे बैंक से जुड़िए और भाई करो।